आज की क्लास में हम बात करेंगे, सबसे पहले पिवट टेबल में ऑटोमेटेड डेटा सिलेक्शंस की बात करेंगे। जैसे आपके सामने डेटा है, मान लीजिए इस डेटा पे मैंने इंसर्ट किया पिवट टेबल और यहाँ पे हमने पिवट टेबल बना ली। और मान लीजिए मैंने इसको मार्केट के हिसाब से हमने इसकी टोटल जो है वैल्यू का टोटल निकाली, वेरी गुड। अब डेटा के अंदर कोई भी चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने वैल्यू को मैंने यहाँ पे कुछ बड़ा छोटा अमाउंट डाल दिया, तो अब ये यहाँ पे हम जस्ट राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके नीचे कोई नई वैल्यू डालता हूँ, जैसे 100 वैल्यू डाला मार्केट में मैंने, यहाँ पे IND एक नया मार्केट लिया है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे मेरा डेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब मैंने पिवट लगाया था तो प्रॉब्लम थी कि हमारा डेटा 100 तक था, क्या था, 99 तक था, हमने 100 का डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये डायरेक्ट अपडेट नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए, जब आप पिवट टेबल लगाते हैं तो आपके जो पहले से इनबिल्ड डेटा है उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो पिवट पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं और वो डेटा अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पिवट के अंदर में अगर डेटा ऐड हो रहा है या क्लियर हो गया है, वो आपके पिवट से तभी हटेगा जब आप उसको हटाने का उपाय कीजिएगा, नॉर्मली नहीं हटेगा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि डेटा कैसे इंक्लूड करेंगे, उन्हें हटाने का मतलब है कि इसको अगर मान लेते हैं कि डेटा कमता है तो रेंज कमा दे ताकि यहाँ ब्लैंक ना दिखे, और बढ़ाने का है कि अगर हम डेटा बढ़ता है तो बढ़ा दे ताकि यहाँ पे जो डेटा बढ़ा है वो आ जाए। तो जनरली हम पिवट टेबल पे आते हैं और चेंज चेंज डेटा सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे अपनी डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं अगेन, देन ओके करते हैं, तो यहाँ जो डेटा हमारा चेंज हुआ है वो डेटा ये देखिए आ। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है कि जैसे कई बार सो फिक्स डेटा होता है कि भाई ये डेटा आ गया, इसका पिवट बना देना है, राइट, रिपोर्ट्स डैशबोर्ड बना लेना है। जैसे कि अगर मानू मैं बात बोलूं कि कि मुझे मान लीजिए ये डैशबोर्ड बना हुआ है, सही तो डेटा है सर, ये डैशबोर्ड बना हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो डैशबोर्ड आपका दिख रहा है तो चलो ठीक है, ओके, ट्राई राइट है। अब इसका डेटा अपडेट होगा तो मुझे इसके अंदर लगे हुए हर एक पीवर्ड, आप देख सकते हैं कि एक डैशबोर्ड के अंदर में कितने सारे पीवर्ड्स लगते हैं, एक एक करके सारे पीवर्ड को अपडेट करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि मेरा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, मुझे अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली इसके तीन तरीके हैं, दो तरीका तो हो सकता है सिंपल, लेकिन तीसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सबसे ज्यादा कारगर है। तो कैसे होगा चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में डाल, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया टेबल में, तो डेटा टेबल हो गया, तो इसका टेबल वन एक नेम हो गया कि हाँ इसका टेबल वन नेम। अब कल के डेट में अगर इस पे पिवट लगाता हूं मैं, पिवट टेबल किया एन ओके किया, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि मार्केट के हिसाब से अपना वैल्यू। अब जैसे ही डेटा के अंदर में हम कोई चेंजिंग करते हैं, नीचे आपको डेटा डालते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, SRL श्रीलंका, और यहाँ पे एक अमाउंट फिगर में डाल, बाकी चीज वही रहेगा जो डेटा है। अब ये चीज यहां देखिए आपका रिफ्रेश करते आ जाएगा, क्यों, तो जैसे मैंने डाला पिवट ने अपने आप को इसमें टेबल ने, जो टेबल था वो अपने आप को इंक्रीज कर दिया। यहां से आप डिक्रीज इंक्रीज मैनुअली भी माउस से कर सकते हैं और इसने अपने आप को भी इंक्रीज कर लिया, जिसके कारण मैं अगर पिवट पे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए SRL ऑटोमेटिक इसके अंदर इंक्लूड हो गया।
लेकिन इसमें क्या है कि कई बार आपको मैनुअली डेटा को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा, कई बार जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहां पे काम सही तरीके से नहीं करता है, तो वहां पे क्या करेंगे? तो उस केस में हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि है एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो हम इंसर्ट करते हैं, पिवट टेबल पे जाते हैं, नहीं पिवट टेबल पे नहीं, ये पिवट टेबल के नीचे जो एक एरो का निशान है उस पर क्लिक करेंगे और इस पे जाएंगे फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और जो एसएलए वाली फाइल जहां पे है वहीं पे जाइए और उस एसएलए वाली फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओपन किए और फिर यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, देन ओके, देन ओके। अब यहाँ पे अपने मार्कर के हिसाब से अपनी वैल्यू डाल दीजिए। अब आपका जो आपका फाइल कहीं भी पड़ा हो, सेम फाइल है लेकिन अगर दूसरा फाइल भी हुआ तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको रिपीट कर दिया तो वैल्यू डबल हो जानी चाहिए एस आर एल का, इसको जस्ट आपको एक बार रिफ्रेश करना है, डबल हो गया। क्लियर है सर? तो दो तरीके बताया, एक तो टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट उतना कारगर नहीं है, आपको बार बार रेंज अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नल डेटा सोर्स आपका कारगर है, इसमें आपको रेंज अपडेट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद रेंज उसका अपडेट हो जाए। ओके अब यहां पे अगला क्वेश्चन आता है कि फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए इसमें प्रॉब्लम है कि आप अपने पीसी पे इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी को भेजेंगे वहां पे वर्क नहीं कर, ना करने के पीछे अवधि कारण क्या है कि आपके पीसी पे ये मेथड वर्क क्यों नहीं करेगा? क्या बोल रहे? कर मैं बोला हूं कि मैंने जो रहे हो? एक्सटर्नल वाला मेथड अभी बताया कि ऑटोमेटिकली रेंज अपडेट हो जाता है, अभी हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हाँ पिवट टेबल में जो हमारा पिवट टेबल का रेंज है घटे बढ़े तो पिवट टेबल ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज कर ले, हमें मैनुअल ना करना। ठीक है, तो इसके दो तरीके बताएं। पहला तरीका बताया मैंने कि डेटा को टेबल फॉर्मेट में कर दीजिए, तो जब कोई डेटा डालेंगे तो टेबल अपने आप को इंक्रीज करता है, नहीं तो आप कॉर्नर से पकड़ के इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन टेबल उतना कारगर नहीं है। तो सम टाइम जब डेली बेस से डेटा अपडेट करोगे तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, साथ में टेबल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो कि प्रॉब्लम देते हैं। सर दूसरा तरीका बताया कि हम एक्सटर्नल मेथड से पिवट सर टेबल लगा लें, वो गुड है, बट एक्सटर्नल मेथड में प्रॉब्लम ये है कि आपके पीसी पे वर्क करेगा, सर किसी और को भेजेंगे वहां वर्क नहीं करेगा, कहीं और वर्क नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने जब एक्सटर्नल डेटा सोर्स लगाया तो हमने एक पाथ को सिलेक्ट किया। ठीक है, हम यहाँ डेटा मेनू बार में उस पाथ को देख सकते हैं कनेक्शन एंड क्वेरी में जाकर। ठीक है, आप इस राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आए, प्रॉपर्टी पे आने के बाद डेफिनेशन पे, तो यहाँ एक पाथ देख सकते हैं। अब ये पाथ आपके सिस्टम में तो अवेलेबल होगा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम। तो तीसरा तरीका जो है वो है फंक्शन फॉर्मूले की तरीका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है, एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है इक्वल, हम यहां ऑफसेट लगाते हैं,
ऑफसेट में स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सिलेक्ट किया कॉमा, अब पूछता है टोटल रो, मतलब आपका डेटा टोटल कितने रो में है ये देना है। अगर मैंने मैनुअल यहाँ 100 दे दिया तो ऑटोमेट ये मैनुअल हो जाएगा, ये ऑटोमेट तो होगा नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में यहां हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे और पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से मुझे कॉलम, तो इसमें कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे नॉर्मल 9 अगर लिख दिया दिक्कत हो जाएगा, तो यहां भी हम काउंट ए नाम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या करेगा कि पूरा कॉलम जितना कॉलम है उतना कॉलम काउंट करके दे देगा। लेकिन किस में, हमें रो एंड कॉलम में नहीं डालना, हाइट एंड विड्थ में डालना, रो एंड कॉलम को हमें 0 0 कर देना है, 0, 0, ठीक है। तो हमारा डेटा स्टार्ट कहां से, A1 से है। आपको डेटा कहां से लेना है, 0 रोज में सेम रो से लेना है या उसकी अगली रो या उसकी अगली रो या उसकी अगली रो से लेना है, ठीक है। फिर आता है काउंट, कितना इसकी टोटल काउंट कितनी है, फिर आता है यहां पे काउंट ए, तो दोनों हमें यहाँ पे अकाउंट है हमारा, दोनों दे दिया, हाइट दे दिया कि टोटल रो कितना है और विड्थ कॉलम कहलाया तो कॉलम कहला। अगर मैं यहाँ एंटर मार दिया ना तो देखेंगे पूरा डेटा यहीं पे शो हो जाए। अब ये करता क्या है, इसको समझने के लिए मुझे सम का फॉर्मूला में ऑफसेट को डालना होगा। अब यहां पे हम फॉर्मूला बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला में जाएंगे तो देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले काउंट ए फॉर्मूला क्या कर रहा है, काउंट निकाल रहा है कि 102 है, फिर काउंट ये बता रहा है कि 9 है, मतलब इसने बताया कि A1 से 0 रो 0 कॉलम 102 हाइट और 9 विड्थ को लेना है। तो ऑफसेट ने क्या किया, इसका जो रेंज है A1 B1 C1 वो दे दिया है कि A1 से लेके I 102। अब कॉलम आगे बढ़ेगा या रो नीचे बढ़ेगा तो ये भी ऑफसेट भी अपने आप को बढ़ाता घटाता रहे, तो पिवट को यही तो पाथ चाहिए। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है, क्योंकि तो पिवट लगाते समय आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें डाल सकते हैं, एक मिनट इक्वल करके डालता हूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हर बार कई सारे पिवट लगाने हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला हर बार डालने में प्रॉब्लम होगी, या आपके पास अगर लोअर वर्जन है जैसे कि 2007-8 ऐसे वर्जन है आपको, एज तो नहीं है, 7, 13, 16 जैसे वर्जन है, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो हम फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम में जाए और यहां पे हम डीटी नाम का या डेटा नाम का ऐसे एक डिफाइन नेम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे इक्वल वो फॉर्मूला जो मैंने डाला था उस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन एक काम और करना है कि सारे रेफरेंस को फ्रीज कर दीजिएगा, ये जरूरी है, डॉलर साइन लगा के F4 इसका शॉर्टकट होता है। ओके, मतलब कि अब डीटी नाम का हमने एक लोकेशन क्रिएट कर दिया जो कि ऑफसेट फॉर्मूला से चलता है। हालांकि ऑफसेट फॉर्मूला भी यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कई सारे पिवट्स लगाने हो तो प्रॉब्लम हो सकती है कि बार बार उतना लंबा फॉर्मूला लिखे नहीं। इसे हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले को एक डीटी नाम के डिफाइन नेम में यहां डाल दी। अब मुझे जहां जहां पिवट लगाना होगा जस्ट मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में आऊंगा पिवट टेबल और यहां पे इक्वल उस फॉर्मूले का नेम लिख के जैसे ओके करूंगा, देखिए उस पे हमारा पिवट लग गया। तो हमने रेंज को डायनेमिक करने के तीन तरीके बताए, पहला टेबल मेथड, दूसरा आपका मैंने बताया एक्सटर्नल डेटा सोर्स मेथड, और तीसरा हमने बताया आपको ऑफसेट फॉर्मूला मेथड। तो फिलहाल जो ऑफसेट का फॉर्मूला मैंने दिया है बस उसी को रट्टा मार जाइएगा। ठीक है, आगे क्लासेस में जब हम आपको बताएंगे समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट? राजीव जी,
राहुल जी गुड आउट। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें पिवट किसी और फाइल में और डेटा किसी और फाइल में लगा। बोलिए विप्लव जी कुछ पूछ रहे हैं आप। तो कल के मैं उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि कल क्या हुआ कि गलती से मेरा जो रिकॉर्डर है ना उसका ड्राइवर कोई और आ गया यहाँ पे। हाँ जी हाँ चल रहा है मीटर चल रहा है मीटर चल रहा है यहाँ पे वॉइस मिल दिख रहा है ना। तो कल मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मिनिमाइज होता है ना सर इसलिए इसे मैं शायद दूसरे स्क्रीन उसको खोल कर रखा हुआ मैं। धन्यवाद। कभी कभी गलती हो जाती मुझसे भी सर क्या करे सर इससे पता चलता है कि हम भी इंसान है। और सर समझ में आ गए बात लेकिन क्या करे रात क्लास छूट गई। देख लीजिए अगर दिक्कत होगा तो टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगा मैं आपको ठीक है। आप ही के साथ नहीं हुआ कल शाम के बाद जितनी भी क्लासेस हुई है करीब 12 क्लासेस हुई है 12 क्लासेस में ऑडियो नहीं था और ऑडियो का पता मुझे कल सुबह में चला है कि ऑडियो नहीं है आज सुबह में पता चला। सॉरी और यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक जो मैंने पिवट लगाया पिवट वहीं पे लगाया जहां पे मेरा डेटा ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डेटा किसी और फाइल में होता है पिवट किसी और फाइल में डेटा किसी और फाइल में और पिवट किसी और फाइल में। क्यों जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेटा है बहुत बड़ा डेटा है जब भी उस डेटा को ओपन करते हो तो काफी कैलकुलेटिंग टाइम लेता है 20 मिनट 25 मिनट का टाइम लेता है देन आपका फाइल प्रिपेयर होता है बहुत बड़ा डेटा है 400-500 MB की फाइल है इस कारण से प्रॉब्लम होती है। अब उस पे लगाना आपको पिवट ही होता है तो इंसर्ट पिवट टेबल में जाके हम क्या कर सकते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल लगा सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर और अपने लोकेशंस पे सेलेक्ट करें जहां पे आपका डेटा है वो डेटा को सेलेक्ट करें जो भी डेटा आपके पास ओपन जिस सीट में लगाना ये सीट नहीं आ नहीं आया क्योंकि तो इसमें एक सीट आया इसमें अपना सीट सेलेक्ट के लिए जिस सीट से लगाना है देन ओके देन यहां देखिए पिवट लग गया ठीक है। अब यहां पे दिक्कत है कि आप जरूरी है कि एक्सेल टू एक्सेल ही लगाए अगर आपके पास डेटा एमएस एक्सेस में पड़ा हुआ तो आप एमएस एक्सेस से भी पिवट लगा सकते जैसे एग्जांपल के लिए मैं डॉक्यूमेंट में चला गया और यहां डेटाबेस 25 को सिलेक्ट किया अब इसके अंदर जो डेटा शीट है उस डेटा शीट को सिलेक्ट किया देन ओके देन ओके देखिए मेरा पिवट कहां से लग गया एमएस एक्सेल से। इसी तरह से कोई भी एक्सेल फाइल हो जरूरी नहीं कि एमएस एक्सेल इसमें आपको और भी बहुत टाइप के फाइल टाइप्स होते हैं जो भी फाइल टाइप है उसको आप यहां से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो चूज कनेक्शन में जाके जो भी फाइल टाइप हो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे वो एक्सेल का हो जो भी इसको इसमें जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो सारे फाइल को ये आपका दे देगा ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डेटाबेस को करेगा जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक एसक्यूएल सर्वर है उस पर चलते हैं एसक्यूएल सर्वर में जो डेटा है इसी डेटा को मुझे करना है
पिवट टेबल में यूज करना। मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेसेस, हमारा 8 PM का डेटाबेस है, इस 8 PM के डेटाबेस के अंदर में टेबल्स हैं और इस टेबल्स के अंदर में ये डेटा है, मुझे यहां से डेटा को उठाना है, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पिवट टेबल में डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं डेटा एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फाइल तो डायरेक्ट ब्राउज करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल के अलावा अगर कोई और चीज है जैसे कि सर्वर वगैरह है तो आपको न्यू सोर्स में जाना, यहां पे अपना डेटा सोर्स चूज करना होगा, जो कि मैंने इस पर सर्वर को चूज किया। आप ओरिकल सर्च कर सकते हैं, कुछ और चीजें सर्च कर सकते हैं, दैट नेक्स्ट, और यहाँ पे अपना हम सर्वर का नेम देते हैं और नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपना डेटाबेस दीजिए, जो भी डेटाबेस हो, जैसे मेरे पास डेटाबेस था 8 PM का, सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर DTA नाम का टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट, देन फिनिश, देन ओके। अब यहां देखिए मेरा जो पिवट लगा वो कहां से लगा, SQL सर्वर से, और टोटल कहां आ रही है, एक्सेल के। और जैसे ही SQL सर्वर में डेटा अपडेट होगा, यहां आपको क्या करना है, जस्ट रिफ्रेश करना है, ठीक है, जस्ट रिफ्रेश कर। लेकिन इस तरह के डेटा पे हम कम लगाते हैं, यहीं पे देखिए प्रॉब्लम होगी कि SQL से डेटा लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे सम नहीं आ रहा। रीजन है कि आप देखिए जो डेटा है ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा कनेक्टिविटी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो DTA लिया है उसी में आते हैं, तो हम डेटा मेनू बार के अंदर फ्रॉम डेटा, उसमें फ्रॉम डेटाबेस में SQL सर्वर पर जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ पे हम अपना सर्वर नेम डाल देते हैं, यहाँ पे डेटाबेस नहीं डालते हैं, ओके करते हैं। हालांकि आगे क्लास में उसको डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ, यहाँ से 8 PM के अंदर हमने DTA को ले ली, डेटा दिख रहा है। अब मैं इसको लोड नहीं करूंगा क्योंकि मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि ये टेक्स्ट है। अब बोलेंगे सर आपने पहले देख लिया इसे टेक्स्ट है, ऐसे कैसे पता चल रहा है, पता चल रहा है डेटा का। हमने शुरुआत क्लास में बताया था कि एक्सेल इंडिकेशन देता है, अगर डेटा आपका लेफ्ट साइड है इसका मतलब है कि डेटा स्टोर इन द टेक्स्ट है, राइट साइड है तो नंबर, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है सर। अब इसको एक्सेल के अंदर में कॉलम के अंदर डेटा अगर लेफ्ट साइड है तो टेक्स्ट है, राइट साइड है तो नंबर। यहां आपको जैन फैब का डेटा क्या दिख रहा है, 20 लेफ्ट साइड है ना सर, इससे पता चल रहा है कि डेटा टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट डेटा के ऊपर पिवट लगाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस केस में मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, तो मैं चलाऊंगा पावर क्यूरी में, और पावर क्यूरी में आने के बाद मैं यहीं से अपने डेटा टाइप को चेंज कर लूंगा, चेंज कर यहां पे मैंने डेटा टाइप टेक्स्ट की जगह पे हमने इसका होल नंबर कर, सारा होल नंबर हो गया। अब यहां लोड एंड क्लोज की जगह पे लोड एंड क्लोज टू करूंगा, जिससे मुझे चूज करने के लिए बोलेगा क्या चाहिए, हमने बोला पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए। अब देखिए पिवट टेबल लग गया। अब इसमें अगर मैं नेम के साथ अगर मान लीजिए जून का टोटल लेते हैं, तो यहां देखिए टोटल आ, यहां काउंट नहीं आ रहा है और सम करने पे जीरो नहीं है। तो इसको अभी आप जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि जो एक्सटर्नल पिवट है उसको बेसिकली डेटा मेनू बार में जब डेटा कनेक्टिविटी पढ़ाऊंगा उसमें ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने बताया कि एक्सटर्नल सोर्स से पिवट कैसे लगा सकते। आज का जो मेन टॉपिक का फोकस था वो फोकस था ऑटोमेटिकली डेटा अपडेशन इन द पिवट टेबल, पिवट टेबल में ऑटोमेटिक डेटा कैसे अपडेट करेंगे इसके बारे में आपके साथ बात, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं, ओके।